कुल्लू जिला मुख्यालय क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के मेडिकल वार्ड में फर्श पर मरीजों का इलाज हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय अस्पताल प्रशासन की पोल खुल रही है। यही नहीं, अस्पताल में दवाइयों की दुकानों में मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के MS डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि मेडिकल वार्ड में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल वार्ड में 72 बिस्तरों की सुविधा है। उन्होंने बताया कि स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय की भी कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हम कल आए थे, कल 8 बजे थे हम सुबह, जिसकी मतलब मैंने बेड लाया था, मेरे पास पैसे नहीं थे 1500 देने के लिए। फिर वो शाम को आए, फिर उसने बोला कि सुबह कल सुबह के लिए आप बोला क्या बोलते 1500 लाना, तो बेड दे रखेंगे, हम नहीं लाएगी आप तो बेड उठा के लेके जाएगा हम नीचे, ऐसा बोला उन्होंने। फिर कल अभी ले गया उसने सुबह, बस तो क्या लग रहा है, जल्दी में इलाज हो रहा है यहाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कोई आएगे कोई यहाँ सीट के ऊपर रिलेटिव, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे हम। ऐसा है जो यहाँ ये बेड हमने कुछ संस्था वालों से लिया है, बेड यहाँ थे नहीं, यहाँ निचले 2-3 मंजिलों में काम चला है फिनिशिंग का, तो उसके बाद फिर हमने यहाँ लगी, उन्होंने सिक्योरिटी ले ली 1500 रुपये बेड की, उसके बाद लाए फिर यहाँ आया बाहर गैलरी में। जी सर, चलो क्या करना, अब मजबूरी के देखते हालत भी, अब काम भी चला है नीचे, ठीक ट्रीटमेंट चल रही है, आज आ रही नर्सें। हाँ सर, वो चलो मौके का इलाज वो तो करना ही पड़ेगा, इलाज रुकना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ, ना तो किसी और जगह जाना पड़ेगा, तो फिर आज के तो रुकना पड़ेगा। फ्यूचर के लिए तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, चलो होगी भी आगे, और फ्यूचर के लिए अब आने वाली हो सरकार को हमारी उनसे ऐसी रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ का कुल्लू का जो यहाँ वातावरण, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का कुछ क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की यहाँ की पूरी फैसिलिटी, पूरी व्यवस्था की जाए, ताकि किसी मरीज को कोई परेशानी करने का कोई सामना ना करना पड़े। फिलहाल बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो फिर यहाँ कुछ यहाँ के लिए कुछ होना चाहिए, यहाँ का जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, नज़दीकी लोग हैं, इधर आस पास में जाए, उनको ज़्यादा परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़े। और एडमिट करा दिया, मतलब कि बेड नहीं मिले ना, अब सुबह बोला था मिलने, अभी भी नहीं मिले, अब पता नहीं कब मिलेंगे सर। रात को गाड़ी में रुके हम सर, हम तो ब्यासर से आए जी। हाँ जी, तो सांस की प्रॉब्लम है, छाती में दर्द है, सिर में दर्द है। हाँ जी, और फर्श में हो रहा है जी, बेड नहीं मिल रहा है ना, बेड मिलते तो तब थोड़ी सुविधा हो जानी सर, मिल रहा है ना, अब पता नहीं कब मिलेंगे। बेड बहुत सारे ऐसे ही पेशेंट है जो कि गैलरी में पड़े हुए हैं। हाँ जी, अब पता नहीं बेड कब मिलेगा, एडमिशन नहीं मिल रही है, जब तक बेड नहीं मिले बोला एडमिशन नहीं मिलेगी। हाँ जी, अब पता नहीं कब बेड मिलेंगे, तब एडमिशन मिले। कार से बड़े के वहाँ भी बोले बेड खत्म हो गए हैं, सारे लग गए हैं बोले। हाँ जी, देखिए ये केसेस मैक्सिमम मेडिकल वार्ड से ही रिलेटेड आ रहे हैं, जो हैं एक्सेस में जो केसेस आ रहे हैं मेडिकल वार्ड से ही आ रहे हैं। सर्जरी, ऑर्थो, ENT, IE तो सफिशिएंट बेड्स हैं हमारे पास, बट इस वक्त मेडिसिन वार्ड में हमारे पास 72 बेडेड जो ये वार्ड है, तो ये कैपेसिटी से ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। मे बी आजकल थोड़ा सा फीवर के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, पर हमने ये इंतज़ाम किया कि लोगों को सहूलियत मिले, तो उसके लिए हमने जो कॉरिडोर में एक्स्ट्रा बेड्स हैं उसकी व्यवस्था की है, अब यही कर सकते हैं। थोड़ा सा स्कोप तो है बेड्स बढ़ाने का, बट हमारे पास मैन पावर की एक्यूट शॉर्टेज है, जैसे स्टाफ नर्सेज और वार्ड बॉयज़ क्लास फोर्स की शॉर्टेज है। दवाइयाँ तो आ रही हैं, पीछे कुछ दिन रोड बंद रहा, सप्लायर्स की तरफ से थोड़ा सा डिले हो गया, बट मेडिसिन जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट की जो मेडिसिन होती है वो हमारे पास हैं, सफिशेंट हैं। इंजेक्शन हैं जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में होगी गवर्नमेंट की, जो हमारे पास 340 जो है एसेंशियल ड्रग लिस्ट में जो भी इंजेक्शन होंगे वो तो अवेलेबल हैं हमारे पास। देखिए, अब कोविड वार्ड को हमने शिफ्ट कर दिया है एज़ पर डायरेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, जो है कोविड वार्ड को हमने अब 10 बेडेड कोविड वार्ड कर दिया है। अब जो फर्स्ट फ्लोर में जो कोविड वार्ड था उसको हम अब मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, जो टॉप फ्लोर में मेडिसिन वार्ड है उसको हम फर्स्ट फ्लोर में ले आएंगे। अभी उसकी मेंटेनेंस चली है, पेंट वर्क चला है, तो
तो कुछ दिन के अंदर हम शिफ्ट कर देंगे, वहाँ 70-80 बेड्स मेडिसिन के लग जाएंगे। बाकी ट्रॉमा जो है हमने शिफ्ट कर दिया है, जो मेन दो फ्लोर थे जो कोविड वार्ड में पहले यूज़ हो रहे थे, अब उसको ग्राउंड फ्लोर ट्रॉमा शिफ्ट कर दिया और फर्स्ट फ्लोर मेडिसिन वार्ड। जो टॉप फ्लोर जो मेडिसिन वार्ड एट प्रेजेंट है, वहाँ अब NHM की डायरेक्शंस की के अंतर्गत जो है हमने अब उसको पब्लिक हेल्थ लैब के लिए अलॉट कर दिए वो स्पेस, और शायद एक दो महीने के अंदर वो रेनोवेशन का काम शुरू कर दें। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।